आज बात होगी चेन्नई क्या कहती है, चेन्नई का क्या है प्लान। महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग को जानने का करते हैं प्रयास, क्योंकि इस बार चेन्नई की टीम ने बहुत ज्यादा ऑक्शन में तबाही नहीं मचाई है। एक डेनियल मिचेल को जरूर उन्होंने 14 करोड़ में खरीदा है, बाकी उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स ने इतना कोई बड़ा कारनामा नहीं किया। एक जरूर कारनामा किया है जो सबसे हटकर कारनामा किया है, और वो है समीर रिजविता। चेन्नई क्या कहती है, इस बार चेन्नई वालों ने बड़ा अच्छा कारनामा किया है। शार्दुल ठाकुर 4 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा है, और लॉर्ड के लिए तो सभी टीमों ने 10, 12, 13, 14, 15 करोड़ तक भी रखकर रख रखे थे, क्योंकि सभी उनको लेना चाहते थे। और वही हर्षल पटेल को इतना नहीं मानते थे, पर हर्षल पटेल पर ज्यादा पैसा खर्च हुआ और चेन्नई की टीम हर्षल पटेल के पीछे नहीं गई। और वहीं अगर हम बात करें शिवम मांगी की, तो शिवम मांगी भी यार अच्छे खासे नहीं हुए इस बार ऑक्शन में। और वैसे भी इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने कुछ अच्छे कारनामे किए हैं। यार देखो, चेन्नई सुपर किंग्स ट्रेविस हेड की तरफ भी जा रही थी और ये बहुत ही सरप्राइज करने वाला था, लेकिन उनका मन वहां से हट गया और उन्होंने ट्रेविस हेड को नहीं लिया। और वो चाहते थे मोइन अली के रिप्लेसमेंट, और मोइन अली के रिप्लेसमेंट के लिए अगर वो ट्रेविस हेड को लेते और मिडिल ऑर्डर में ट्रेविस हेड बैटिंग करते तो एक अच्छा खासा वो काम नहीं करके दे सकते। इसके बदले में उन्हें रचिन रविंद्र मिल गए, और जो रचिन रविंद्र है वो बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, यानी 3 डायरेक्शन का काम करेंगे, और एक शानदार मिडिल ऑर्डर को मजबूती भी देंगे, यानी कि 1.8 करोड़ रुपए में। यानी कि यार क्या कहूं कि एब्सोल्युटली राइट एक चॉइस थी ये चेन्नई की, और धोनी से जरूर इस बारे में बात की होगी। अब देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने अच्छे अच्छे रिप्लेसमेंट किए हैं, यानी कि डेविन कॉनवे एक पक्के रिप्लेसमेंट हो गए हैं, यानी कि ये चेन्नई के लिए अच्छा रिप्लेसमेंट है। और अगर हम बात करें कि डेनियल मिचेल की, तो 14 करोड़ रुपए में एक अच्छा प्लेयर मिल चुका है, यानी कि जो सीरियस प्लेयर है और टीम को कुछ अच्छा करके भी देगा। और मोइन अली का भी रिप्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि मोइन अली पिछले 1-2 साल से काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, और मोइन अली की भी रिप्लेसमेंट यहां पर जरूरी थी। तो इस बार टीम ने एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है जो स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं और अच्छा रोल अदा करेंगे टीम के लिए। अब चेन्नई के पास में मुस्तफिजुर रहमान है, इनके पास में मतीसा पत्तिराना है, इनके पास में अभी यही कहेंगे कि सबको लग रहा है आउट ऑफ द पेसर्स है इनके पास में, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि हमारा माइंड कोई नहीं पढ़ सकता। इनके पास दीपक चेर है, इनके पास मुकेश चौधरी है, तुषार देशपांडे है, राजवंदर हंकर है और KKR है, यानी कि अब इनके पास सिमरजीत भी है, इनके पास अब शार्दुल ठाकुर भी आ चुका है, मुस्तफिजुर को भी रख लिया है, यानी कि एक माइंड के साथ में इन्होंने अच्छा खासा गेम खेला है, टीम बढ़िया बना लिया है। अब ये देखिए कि 7 मैच चेन्नई में होने और 7 में से 6 जीत जाती है, मान लीजिए 5 भी अगर जीत जाती है तो टीम का क्वालिफिकेशन तो पक्का है। और बाद में समीर रिजवी, जिन पर बोली पे बोलियां लगी यार अब क्या ही कहे, उनके पीछे इन्होंने पैसा भी बहुत अच्छा खर्च किया, पर समीर रिजवी इस बार लगता है कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठाएंगे और हो सकता है कि 4th नंबर पर वो अच्छी बैटिंग करे, और यही समीर रिजवी का भी मानना है, और एक टीम के लिए अच्छा एक प्लस पॉइंट साबित होंगे समीर रिजवी। जिन पर पैसे खर्च किए हैं उन्होंने कहा है कि मेरे आइडल थे, मेरे आइडल है और मेरे आइडल ही रहेंगे, और महेंद्र सिंह धोनी उनकी टीम में नाम आ जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर 8 करोड़ रुपए आ जाए तो फिर तो चांदी सोना सब कुछ। यार युवा खिलाड़ियों को कौन अपनी टीम में मौका देता है, एक है चेन्नई और दूसरी है मुंबई, ये 2013 के इर्द गिर्द की कहानी घूमती है जब अजिंक्य रहाणे को मौका मिलता था, मुंबई जसप्रीत बुमराह को, हार्दिक पांड्या को, कुणाल पांड्या को मौका देती थी। महेंद्र सिंह धोनी का प्लान एकदम सिंपल है, डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र को ऑप्टिंग के लिए भेजेंगे, 3 पे रहाणे आएंगे और 4 पे समीर रिजवी को, खेले बेटा तू तैयार है, उसके बाद हम डेनियल मिचेल को भेजेंगे, उसके बाद शिवम दुबे को भेजेंगे और बाद में रविंद्र जडेजा और मैं खुद आऊंगा। महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे बल्लेबाज है, और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अच्छी है ऐसा लग रहा है और अच्छी रहेगी जब तक ये भाई चेन्नई में है, क्योंकि अच्छे ऑप्शन में जो चीजें इनके पास थी वो इन्होंने की, और इनके पास में मुकेश चौधरी भी है, मतीसा पत्तिराना भी है और रविंद्र जडेजा भी। हमें तो लग रहा है कि चेन्नई की टीम अच्छी है, खिताब जीतने की दावेदार है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।